ये कैंपटी फॉल झरना है। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो झरना है ये राम गांव, जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव पड़ता है उसके अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की तो ये मसूरी से 13 किलोमीटर स्थित है और देहरादून से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब आइए जानते हैं कि इस झरने का इतिहास क्या है। तो इस झरने का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा विकसित किया गया। एक अंग्रेज़ ऑफिसर थे जिनका नाम था जॉन मैनकिन, और उन्होंने 1835 में इस झरने को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया। इसके बाद यहाँ से टूरिस्ट आते रहते हैं। और इस झरने का जो नाम है वो शायद कैंप टी के नाम पे पड़ा है, जो कैंप के अंदर टी बनती थी उसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। और ये एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा उत्तराखंड के सबसे प्रमुख झरनों में से ये एक है। तो अगर आप मसूरी में हैं या टिहरी गढ़वाल में हैं तो इस झरने पर ज़रूर जाएं। ये जो है इको के रूप में, अगर इन्वायरमेंट के रूप में देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ झरना है। इसके आसपास जो है इनक्रोचमेंट भी किया गया है, कई जगह पे भवन निर्माण किए जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण भी किया जा रहा है कमर्शियल पर्पज़ के रूप में। तो ये कहानी थी कैंपटी फॉल झरने की। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताएँ। आप सबका धन्यवाद।